Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जिनकी गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। ऐसे रहस्य जो विज्ञान के लिए भी चुनौती बने हुए हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक रहस्यमय जगह के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल यह जगह एक रहस्यमय किला है। यह किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के तटीय गांव मुरुद में स्थित है, जिसे मुरुद जंजीरा किला के नाम से जाना जाता है। समुद्र तल से 90 फीट की ऊंचाई पर बने इस किले की खासियत ये है कि यह बीच समुद्र अरब सागर में बना हुआ है। मुरुद जंजीरा किला भारत के पश्चिम तट का एकमात्र ऐसा किला है जो कभी भी जीता नहीं जा सका। कहते हैं कि ब्रिटिश, पुर्तगाली, मुगल, शिवाजी महाराज, कन्हौजी, अंग्रेज, चिम्माजी, अप्पा और संभाजी महाराज ने इस किले को जीतने का काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन इनमें से कोई भी सफल नहीं हो सका। यही वजह है कि 350 साल पुराने इस किले को अजय किला कहा जाता है। मुरुद जंजीरा किले का दरवाजा दीवारों की आड़ में बनाया गया है, जो किले से कुछ मीटर दूर जाने पर दीवारों के कारण दिखाई देना बंद हो जाता है। कहते हैं कि यह वही जगह रही होगी जो दुश्मनों के कहते हैं कि यही वजह रही होगी कि दुश्मन किले के पास आने के बावजूद चकमा खा जाते थे और किले में घुस नहीं पाते थे। इस किले का निर्माण अहमदनगर सल्तनत के मालिक अंबर की देखरेख में 15वीं सदी में हुआ था। बताया जाता है कि इसका निर्माण 22 साल में हुआ था। 22 एकड़ में फैले इस किले में 22 सुरक्षा चौकियां हैं। यहां सिद्दीकी शासकों की कई तोपें अभी भी रखी हुई हैं, जो हर सुरक्षा चौकी में आज भी मौजूद है। यह किला 40 फीट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। माना जाता है कि यह किला 5 पीर पंजातन शाह बाबा के संरक्षण में है। शाह बाबा का मकबरा भी इसी किले में है। इस किले में मीठा पानी की एक झील है। समुद्र के खारे पानी के बीच होने के बावजूद यहाँ मीठा पानी आता है। यह मीठा पानी कहाँ से आता है या अभी तक एक रहस्य ही बना हुआ है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.